हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम बीर सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, जो मैंने 60 डे की स्ट्रेटजी प्लान तैयार किया है, आज उसका 5th डे है, यानी कि 5वां दिन है। और 5वें दिन आज आपको क्या क्या पढ़ना है, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे क्या हुआ कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए मैथ में आज आपको नया टॉपिक स्टार्ट करना है, और वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये टॉपिक आज आपको पढ़ना है और इसके नोट्स भी आपको बनाने हैं। 3 घंटे इसको आपको समय देना है। और देखिए, ये जो समय और कार्य है, ये आज आपको पूरा ख़त्म नहीं करना, इस चक्कर में नहीं रहना कि आज ही हमें ख़त्म करना है। आज समझ के हिसाब से, यानी कि जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर कर करके आधा ही करना है, क्योंकि इसको मैं 2 दिन दूंगा। 2 दिन में ही आपको टाइम एंड वर्क करना है, तभी आप कुछ कर पाओगे अच्छे से। अगर आप 1 दिन में करने की सोचोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ना पूरा होगा ना आधा होगा, आधा अधूरा लटक जाएगा। तो इसको 2 दिन हम देंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है घड़ी, क्लॉक। क्लॉक और 1 घंटे में क्लॉक ख़त्म हो जाता है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो आपको क्लॉक विद नोट्स बनाने हैं। इसमें कुछ लिखने की चीज़ें भी होती हैं, तो वो आपको नोट्स करनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में देखिए, जो फिजिक्स चल रही है, कल आपको मैंने कार्य, ऊर्जा और शक्ति बताई थी, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, कल आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। तो इसको आज डे 2 है इस चैप्टर का, और इसके भी नोट्स बनाए होंगे आपने कल, और वो उसको भी तैयार करना है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले हैं। तो आज आपको फॉर्मूले भी इसके याद करने हैं, और कैसे इन पर सवाल निकलते हैं, सारे न्यूमेरिकल, इस पर सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा टॉपिक है, इसलिए इसको मैं आज दूसरा दिन में आपको दे रहा हूँ। इसके बाद बात करेंगे GK एंड GA की, यानी कि GK एंड GA में जो आपको करंट अफेयर 2021 की जो पढ़नी है, आज आपको जो नोट्स बनाने हैं वो अप्रैल महीने के बनाने, अप्रैल महीने के आप नोट्स बनाना आज। और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस नोट्स तैयार करने हैं पहले, और जितना लिखोगे थोड़ा बहुत तो याद होता ही रहेगा, और बाद में और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद जो पॉलिटी स्टार्ट किया हमने, पॉलिटी में देखिए भारतीय संविधान और राजव्यवस्था में मूल अधिकार हैं। कल भी आपने मूल अधिकार पढ़ा था, लेकिन कल थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा हुआ कुछ आपने, और हो सकता है कि आपने सारे अनुच्छेद नहीं पढ़े हों। तो आज आपको अनुच्छेद 1 से लेकर 35 तक याद करने हैं, कि 35 तक अनुच्छेद में आपको ये पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में क्या है और क्या नहीं है। तो आज आपको बस इतना करना है, अगर आप इतना कर लेते हैं आज तो आपको बहुत है। आप डेली 8 से 10 घंटे पढ़िए, और देखिए आज आपको एक मॉक टेस्ट भी लगाना है, ऑनलाइन लगाइए या ऑफलाइन लगाइए, आज आपको मॉक टेस्ट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।